हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ डिप्लोमा एंड आईटीआई होल्डर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेज। और इस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है एंड क्या क्या टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड क्या इश्यू रहते हैं अपने किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए, तो वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। एंड कैसे आपको तैयारी करनी है जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने कोई भी टेक्निकल्स सब्जेक्ट्स में क्या इश्यू रहते हैं या किसी भी कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपन देखो किसी भी टेक्निकल्स कंपटीशन में अधिकतर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं अपन। फर्स्ट होता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने टेक्निकल में। आजकल जो है जितने भी पेपर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, और उनमें जो भी पेपर सेट करते हैं तो वो होल्डर्स या पीएचडी होल्डर्स या एमटेक वाले होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स का जो पेपर सेट करते हैं वो या तो मैटर ऑनलाइन से उठा लेते हैं या किसी बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उनमें क्या है, टेक्निकल्स की जो इंग्लिश बुक्स होती हैं वहाँ तो हिंदी वर्ड्स होते हैं नहीं, तो उनका हिंदी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो या तो वो गूगल से ट्रांसलेट करते हैं या कोई बुक प्रिपेयर करते हैं। तो बुक में जो भी उनका टेक्निकल वर्ड होता है वो यूज करते हैं वो, या जो गूगल ट्रांसलेशन उनको ट्रांसलेट करके देता है वो वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे अपन करंट होती है अपने, मैंने ये करंट और ये कंपटीशन में आया हुआ है उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो करंट का जो है कंपटीशन में एक वर्ड आया था, वो आया था वर्तमान। वर्तमान, और उसमें पूछा गया था कि वर्तमान की इकाई क्या होती है। ओके, वर्तमान की इकाई क्या होती है। अब बहुत सारों को तो समझ में ही नहीं आया कि वर्तमान है क्या, यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट में वर्तमान है क्या। ओके, तो यहाँ पे अपने यहाँ जब हम इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो उसमें साफ साफ था कि यूनिट ऑफ द करंट्स। ओके, तो करंट्स का अपने को सबको पता है कि उसकी जो है वो इकाई क्या होती है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो टेक्निकल स्टार्ट होता है। बट उस वर्ड की वजह से अपन ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ करंट्स के, देखो हिंदी वर्ड तीन निकलते हैं। एक तो ऐसे कि वर्तमान आ गया हो आपके पास में, अगर ये वर्तमान कौन देगा, गूगल, गूगल देगा। गूगल ट्रांसलेशन करेंगे अपन तो वहां पे वर्तमान। ओके, दूसरा अपन देखते हैं टेक्निकल्स में तो करंट्स को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ओके, और दूसरा बहुत सी बार आपका करंट ऐसे करंट भी आ जाता है। तो वहां पे अपने पास में लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके कोई भी वर्ड होता है तो उसका अगर आपको जो है वहां टिपिकल वर्ड मिल जाता है तो उसका फिर आपको इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसको कर नहीं पाओगे। वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं अपने को लैंग्वेज की टेक्निकल में खासकर। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हम कैसे दूर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम दूर आपको जो है इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा उसका। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे पहले। तो दूसरी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो वो होती है यूनिट्स की। यूनिट की जैसे बात करते हैं अपन करंट्स की। ओके, तो यहाँ पे अपन करंट्स की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट दो तरह की होती है, एक तो होती है कि वैज्ञानिकों के द्वारा दी हुई या जिन्होंने भी इनकी खोज की है वैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई, और दूसरी यूनिट होती है इनकी कार्य प्रणाली के आधार पर। एक तो होती है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई और कार्य प्रणाली के आधार पे। तो यहां मैं करंट्स की बात करूं तो करंट्स की जो है यहाँ पे दोनों यूनिट्स की बात करते हैं, एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई और एक कार्य प्रणाली के। तो करंट्स की अपन वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई यूनिट्स
बात करते हैं तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो करंट्स की इकाई थी वो थी क्या, वैज्ञानिकों द्वारा वो प्रदान गई एम्पियर। एम्पियर जिसे अपन एसआई यूनिट भी कहते हैं, ओके, यही एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट बहुत सी बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं जिसे, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी यहाँ जो है करंट्स की यूनिट जो है वो एम्पेयर होती है। तो एक तो होती है ये जो कि एम्पेयर ने प्रदान की थी, बट अपन दूसरे उस पे चलते हैं यूनिट पे, तो होती है कार्य प्रणाली पे आधार, कार्य प्रणाली के आधार पे यानी वर्किंग के आधार पे। और आजकल जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से होते हैं, किससे, कार्य प्रणाली के आधार पे। तो वो भी बात करें तो वो देखते हैं कि कार्य प्रणाली के आधार पे दूसरी यूनिट क्या होती है। एक तो हो गई आपके वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई, वो हो गई एम्पियर, ओके। दूसरी यूनिट है यहाँ करंट की, तो वो होती है इसके दूसरी यूनिट करंट की कार्य प्रणाली के आधार पे। तो कार्य प्रणाली के आधार पे देखिए अपन, तो इसकी कार्य प्रणाली क्या कहती है, इसकी कार्य प्रणाली यानी करंट की जो है डेफिनेशन, हम कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा की कहा जाता है। क्या, आवेश प्रवाह की दर, ओके, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो I बराबर, अब ये कैसे यानी कि किसी भी लैंग्वेज या परिभाषा को आपको फॉर्मूले में कैसे लेना है, कैसे डिफाइन करना है, तो वो देखें। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आवेश प्रवाह की दर, ओके, जब भी दर आपका वर्ड आए कहीं पे भी आए, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपके मैथ्स में लो या साइंस में लो या टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ले अपन, तो दर मीन्स होता है यानी टाइम के सापेक्ष उसकी बात करना, ओके। तो यहाँ पे किसके, आवेश प्रवाह की दर, ओके, ये टाइम यानी टाइम के सापेक्ष में कितना आवेश, इस टाइम में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, ओके, तो इस टाइम में इतना आवेश प्रवाह, वो ही हो गया करंट की डेफिनेशन। तो ये ऐसे अपन किसी भी जो है लैंग्वेज या परिभाषा से फॉर्मूले भी बना सकते हैं, और भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसकी वर्किंग, अब ये क्यू मीन्स गुलाम है यहाँ पे, ओके, तो गुलाम क्यू आवेश जो होता है वो गुलाम में होता है, एंड टी होता है समय, वो लेते हैं अपन सेकंड, ओके। तो यानी कि मेरे इकाई बनी गुलाम प्रति सेकंड, ओके, गुलाम प्रति सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड। तो अपन ने यहां पे दो तरह की यूनिट्स देखी करंट्स की, वो देखिए अपन ने वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई और कार्य प्रणाली के आधार पे। तो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई यूनिट होती है एम्पियर, ओके, एंड जो है कार्य प्रणाली के आधार पे देखें अपन, तो कार्य प्रणाली के आधार पे जो यूनिट होती है वो होती है गुलाम प्रति सेकंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यूनिट्स की भी अपने काफी दिक्कत आती है कि वहां पे यूनिट्स क्या दी गई है आपके, ओके, तो उसकी बात करते हैं अपन। अब इसी के क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो अब यहाँ पे कहाँ पे कौन सी इकाई यूज करनी है अपने को, ऑप्शन में कौन सी इकाई यूज करनी है, क्योंकि मेरे पास में अगर ऑप्शन में एम्पियर भी आ गया एंड गुलाम प्रति सेकंड भी आ गया, तो फिर मेरे को कैसे आंसर देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है टेक्निकल्स में। तो यहाँ पे अपन देखें तो करंट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि करंट की यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, करंट की इकाई होती है, ओके, करंट की इकाई होती है। ऑप्शन में दे देता हूं आपको यहां पे, एम्पियर, ओके, बी
लाम प्रति सेकेंड शी वोल्ट डी एंड बी एंड ई एंड सी। ओके तो ये है, तो बहुत सारे तो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ये एम्पियर दिख गया तो मजा आ जाता है कि अपने यूनिट आ गई है और यूनिट मिल गई है अपने को एम्पियर। तो पहली गलती तो जो है वो ये करते हैं कि पूरा पूरा आप ऑप्शन नहीं देखते हो। ओके सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, या तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या ऑप्शन को अपन पूरा पूरा नहीं देखते हैं और कैसे आपको वहां पे उसके लिए फिर सही आंसर का सिलेक्शन करना है तो वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो एम्पियर भी यहाँ पे करंट्स की यूनिट है एंड गुलाम प्रति सेकंड भी करंट्स की यूनिट है। आगे ऑप्शन में देखें तो वोल्ट वोल्ट नहीं है, वोल्टेज की होती है। ए एंड बी, ओके ए मींस एम्पियर एंड बी मींस गुलाम प्रति सेकंड, दोनों यूनिट्स हैं करंट्स। ओके आगे देखें ए एंड सी, तो ए मींस एम्पियर एंड सी मींस वोल्ट। ओके तो यानी एम्पियर तो होती है बट वोल्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे अपने को कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो डिपेंड करता है किस पे, ऑप्शन पे। अगर जिसने भी एम्पियर कर लिया ठीक है तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि गुलाम प्रति सेकंड भी अब उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जो है उसने कौन सी पूछी है, अगर वो पूछ लेता वहां पे एस आई यूनिट जब आपका एम्पियर ओके था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कैसे आंसर लेना है। तो सबसे यानी कि ये तो आप गांठ मान लो कि जब भी उपरोक्त सभी या ऑप्शन में ए एंड बी ए एंड सी आता है तो वहां पे अपने को सारे ऑप्शन देखने हैं, और जब तक सभी ऑप्शन का मतलब नहीं समझ में आ जाता तब तक जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है उस क्वेश्चन को मत करो, क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो या फिर आप उसको लास्ट में देखो। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, एम्पियर एंड गुलाम प्रति सेकंड मींस बी एम। ओके दूसरा देखें अपन यही क्वेश्चन देखना, इसमें ऑप्शन वही है एंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। कैसे, यानी करंट की एस आई इकाई होती है। ओके क्वेश्चन आ गया, करंट की एस आई इकाई होती है तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग जो करंट की एस आई इकाई थी वो ओनली एम्पियर थी। तो इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे दिए। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ऐड हुआ है, ओनली एस आई, एस आई यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट है वही आंसर देना है फिर आपको। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी इकाई है अपने, एम्पियर, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि डिपेंड करता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना उसके ऑप्शन पे, ये नहीं कि आपने जो पढ़ा है और वहां पे कंपटीशन में जो आया है वही आए। ओके यानी कि कुछ भी आ सकता है, उसकी वर्किंग यूनिट आ सकती है, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई यूनिट आ सकती है, या उसको भी फिर वो कन्वर्ट कर दी यूनिट में। अपन दूसरा एग्जांपल देखें तो वोल्टेज, वोल्टेज दूसरा एग्जांपल देखें तो वोल्टेज। ओके तो वोल्टेज की भी यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई यूनिट थी वो थी वोल्ट, वोल्ट ये तो प्रदान की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, वैज्ञानिक वोल्ट ने दी थी। वोल्टेज की यूनिट वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई वो थी वोल्ट, और जो कि वोल्ट ने दी थी। अब इसकी वर्किंग पे चले तो वर्किंग इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि किसी भी आवेश को यानी कि किसी भी आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य,
किया गया कार्य, कार्य मीन्स वर्क, एंड इसको मैं डब्ल्यू से डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो परिभाषा कह रही है इसकी डेफिनेशन, वो कहती है किसी भी आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य वो होता है वोल्टेज, या जिसे पोटेंशियल भी कहते हैं अपन, विभव। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग यूनिट देखें तो वही V यानी वोल्टेज बराबर इस आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य, आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य। ओके, तो यहाँ W मीन्स वर्क है और कार्य की इकाई जो होती है वो होती है जूल। ओके, एंड दूसरा है आवेश जो कि होता है कूलाम, तो मेरे पास इकाई बन जाती है जूल प्रति कूलाम। ओके, इसकी वोल्टेज वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई यूनिट है वोल्टा, एंड वर्किंग के अकॉर्डिंग देखे तो जूल प्रति कूलाम। तो वहां पे जैसे अपन ने पहला एग्जांपल लिया करंट का, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है, तो वोल्टेज की इकाई वो यहाँ से देखते। तो यहाँ पे एसआई यूनिट जितनी भी होती हैं वो ज्यादातर जो है एसआई यूनिट वो कौन सी ली गई है, वो यहाँ पे जो भी वैज्ञानिकों के ने दी थी वो ही एसआई यूनिट्स है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि तो यहाँ पे या तो एसआई यूनिट से इसको वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, या एसआई यूनिट से क्वेश्चन आता है तो अपने को वोल्ट यूज करने है। और अगर आपके पास में वर्किंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है और वहां पे अपने को ये देखना है कि उसकी यूनिट्स वर्किंग के अकॉर्डिंग, कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग पूछी है, या फिर सिंपल आपका आता है कि वोल्टेज की यूनिट क्या है, और दोनों ऑप्शन आते हैं तो फिर दोनों ही देने। अगर आपके पास में ऑप्शन, मेरे पास में पूरे ऑप्शनों में सभी ऑप्शनों में ये ही मिलता है जूल प्रति कूलाम सभी ऑप्शनों में, तो फिर जूल प्रति कूलाम। और यहाँ पे अगर आपको सभी ऑप्शनों में मेरे को वोल्टेज ही मिलता है तो वोल्ट ही होगी फिर। ओके, और दोनों मिलते हैं तो फिर अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है फिर कि कौन सी होगी, अगर ऐसा यूनिट पूछी है तो वोल्ट, और अगर आपके वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि सिंपल वोल्टेज की यूनिट पूछी है तो फिर ए एंड बी या ए एंड सी जो भी आ रहा है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि उपरोक्त सभी भी आ जाए, इसका मैं एग्जाम्पल दे भी देता हूँ। और यहाँ पे वो इसको कैसे तुल्य बनाया जाता है, तो यहाँ पे तीसरा अपन देखते हैं। देखो V बराबर मेरे पास में W बटा U। अब हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन जो है आपको वो इन दोनों में से नहीं मिले और इसका इक्विवेलेंट पूछा जाए या इक्विवेलेंट आ गया हो, तो वो इक्विवेलेंट कैसे बनाया जाता है और वो अपने को ऑप्शन में देखे, क्योंकि इक्विवेलेंट बहुत सारे बनते हैं टेक्निकल, तो इक्विवेलेंट ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो आपके पास में दो ऑप्शन आ गए, एक आपके पास में एक ऑप्शन आ गया वोल्ट आ गया, एंड दूसरा आ गया जूल प्रति कूलाम आ गया। ओके, दो ऑप्शन तो मेरे पास है, तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन जैसे मेरे पास में यहां पर देखूं तो देखो कोई भी कार्य होता है तो वो होता है बल इनटू विस्थापन, एंड आवेश कूलाम। तो बल, बल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन में, विस्थापन मीटर में, एंड यहां कूलाम। तो यहाँ पे मेरे पास बन गए न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास में न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, एंड डी आ गया ऑप्शन उपरोक्त। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन देखो वोल्ट भी है, जूल प्रति कूलाम भी है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी है, एंड उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पे अपन देखें तो वोल्ट यूनिट होती है। अब बहुत सारों को अगर वर्किंग के अकॉर्डिंग यूनिट पता नहीं है तो वो ज्यादातर क्या लगा के आएंगे, वोल्ट लगा के। ओके, तो अधिकतर यही गलती करते हैं कि जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है एंड ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास में, एंड ऑप्शन का जब तक मतलब समझ में नहीं आता है तब तक ऐसे क्वेश्चन मत करो कौन से
उपरोक्त सभी ए एंड बी ए एंड सी वाले। अगर आपके ऐसा कुछ भी नहीं है उपरोक्त सभी या ए एंड बी ए एंड सी तो करेक्ट एक ही आंसर होगा फिर वहां पे। ओके तो यहाँ पे मेरे पास में वोल्ट है, जूल प्रति कूलम है, जब दो तो मेरे को पता है, तीसरी पता नहीं है, तो तीसरा निकलेगा है ना, तीसरा भी उसका मतलब निकलता है। तो वहां पे आप आपका आईक्यू भी यूज कर सकते हो या फिर अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको कन्वर्जन करके देख लो, यानी कि कार्य को थोड़ा आप खोल के देखो। ओके वो पर वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में किससे रिलेटेड आए हैं। मेरे न्यूटन मीटर गुलाम आए तो न्यूटन मीटर किससे रिलेटेड है। ओके तो वहां पे देखें अपन, तो न्यूटन होता है बल से रिलेटेड एंड मीटर जो है दूरी या विस्थापन होता है तो उससे रिलेटेड। तो यानी कि आप उसको कन्वर्ट करो, जो आप ही कन्वर्ट नहीं हो रहा, जैसे गुलाम तो मेरे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो गुलाम को तो आप वैसे के वैसे ही रखो, कन्वर्ट मेरे को गुलाम नहीं करना है। कन्वर्ट क्या करना है, ऊपर मेरे अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऊपर जो भी आपका वर्ड आ रहा है यानी कार्य आ रहा है तो कार्य को चेंज करो, और किसमें करना है वो यूनिट पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में जो यूनिट आएगी। ओके तो यहाँ पे अपने यानी कार्य बल इनटू विस्थापन होता है, बल की यूनिट होते हैं न्यूटन एंड विस्थापन की होती है मीटर। तो ऑप्शन में हो सकता है कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम मिल जाए। ओके अगर ये नहीं मिलता है तो अपन इलेक्ट्रिकल रूप से देखें तो कार्य इलेक्ट्रिकल में एनर्जी से रिलेटेड होता है। ओके और एनर्जी को कहते हैं अपन वी, यहाँ डब्ल्यू बटा क्यू, मीन्स इसको एनर्जी कह सकता हूं मैं। ओके और एनर्जी होती है क्या, पी मल्टीप्लाई टाइम। ओके पी मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ओके एंड ये कूलम क्यू। तो यहां पे अपन पावर, पावर किसमें होती है, वाट में, पावर होती है अपने वाट में, टी होता है सेकंड में एंड ये नीचे कूलम। तो यहां पे भी अपन इसमें भी देखें तो मेरे पास में जो है कूलम तो चेंज हुआ नहीं, कूलम तो कूलम आ रहा है, बट वहां पे ऊपर देखें अपन तो वहां पे आ रहा है मेरे जो कार्य हैं वो किसमें चेंज कर दिया, कार्य को अपन जूल कहते हैं और जूल किसके इक्विवेलेंट होता है, वाट सेकंड के। ओके तो यहाँ पे अपने फिर वहां पे ऑप्शन में अगर वाट सेकंड प्रति कूलम आता है इसकी जगह तो वो भी सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी वहां पे भी फिर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो यानी कि अपने को आजकल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं यूनिट से वो वैसे नहीं आते हैं डायरेक्टली कि हाँ वोल्टेज की यूनिट पूछ लिया वोल्ट आ गए, एम्पेयर की यूनिट पूछ लिया एम्पेयर आ गए, नहीं। आजकल जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो किए जाते हैं उसके वर्किंग यूनिट से, और वर्किंग यूनिट में भी हो सकता है कि वो आपका डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे, उसको भी खोल के यानी उसको भी विस्तारित करके और फिर वहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाए। तो सबसे यानी कि अपने को ये टेक्निकल कंपटीशन में प्रॉब्लम्स आती हैं यूनिट की, और यूनिट जो होती है वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए एक रीड की हड्डी है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं यूनिट की, यूनिट में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो देख सकते हैं एंड कैसे दूर करनी है तो उसको आप विस्तारित करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आपको उपरोक्त सभी ए एंड बी एंड सी आ रहा है और वहां पे आपको एक से ज्यादा ऑप्शन यानी आपको दो ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा है तीसरे का नहीं आ रहा है तो उसको एक बार विस्तारित करके देखो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके तो यानी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने को यूनिट में, तो यूनिट की प्रॉब्लम्स कैसे दूर करनी है वो अपन ने देख लिया है। तीसरी अपने पास में प्रॉब्लम होती है यूनिट कन्वर्जन, तो यूनिट कन्वर्जन में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यानी तीसरी प्रॉब्लम्स अपने पास में यहाँ पे होती है वो होती है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन यानी अपने दो प्रॉब्लम तो चलो तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन की वो क्या होती है। तो यूनिट कन्वर्जन का मैं आपको करंट्स का ही एग्जांपल दे देता हूं मेरे पास में। ओके क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन, ओके
यूनिट कन्वर्जन के लिए देखें तो आपके पास में सिंपल क्वेश्चन आ गया कि किसी भी चालक में, किसी चालक में दस सेकंड में 60 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी। ओके बा, तो यहां पे अपने पास में क्वेश्चन आया है किसी चालक में 10 सेकंड में 60 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी। ओके, तो अपने यहाँ पे देखे अपने पास में टाइम है 10 सेकंड यानी जिसे अपन टी कहते हैं एंड कूलम है यानी कि क्यू। ओके, तो अपने पास में करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू है अपने पास में 60 कूलम एंड टी है 10 सेकंड तो अपने पास में आता है 6। आंसर तो 6 मिल गया आपने। ओके, बट पीछे यूनिट क्या, यूनिट या तो आपको एम्पियर मिलेगी और एम्पियर नहीं मिलती है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कूलम प्रति सेकंड, क्योंकि 60 जो था मेरे पास में वो कूलम में था एंड नीचे टाइम जो था वो सेकंड में था यानी कूलम अपॉन सेकंड यानी कूलम प्रति सेकंड से कहेंगे। ठीक है, यानी प्रति के जो भी आगे वर्ड होता है वो ऊपर की यूनिट्स के ऊपर के पैरामीटर्स का होता है एंड नीचे जो भी प्रति के बाद की जो यूनिट होती है वो होती है नीचे के पैरामीटर्स की। ओके, तो यानी कि कूलम अपॉन सेकंड तो कूलम प्रति सेकंड। तो अब मेरे पास में देखो ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन मेरे पास में आ गया 6 मिली एम्पियर में दे दिया, बी 0.6 एम्पियर, सी 600 मिली एम्पियर एंड डी 6000 मिली एम्पियर। ओके, अब जिसने भी यूनिट का ध्यान नहीं रखा यहां पे वो क्या करेगा, 6 आंसर लगा के आता है। ओके, वहां पे क्योंकि मेरे पास में जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ गया 6। ओके, बट जब तक आपने वहां पे ऑप्शन को सही से नहीं देखा है तो हो सकता है कि वहां पे आपकी गलती भी हो जाए क्योंकि 6 के पीछे यूनिट दी हुई है। अगर सिंपल मेरे जो है यहाँ पे अगर मेरे डिजिट्स में आता 6 0.6 600 एंड 6000 तो मैं फिर वहां पे एम्पेयर ही अपन बेसिकली यूनिट एम्पेयर होती है तो एम्पेयर लेके चलते हैं, बट वहां पे उसने ऑप्शन में भी आपके यूनिट साथ में दी हुई है तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ 6 के आगे जो है मिली लगा हुआ है मिली। ओके, तो यहाँ मिली और एम्पियर में काफी डिफरेंस है। मिली मींस होता है यानी कि 10^-3 या 1000 से डिवाइड कर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 6 बट यूनिट सही नहीं दी हुई है, पीछे एम्पियर होती तो मेरा ये ऑप्शन होता बट वहां पे मिली एम्पियर में दिया हुआ है तो यहाँ पे यानी कि अब ज्यादातर यही गलती करते हैं कि अपने पास में जो है वो डिजिट्स में आंसर आया 6 आया है तो 6 ही लगा गया था क्योंकि वहां पे एक तो टाइम का प्रेशर होता है वैसे ही तो यूनिट्स नहीं देखते हैं तो ये गलती नहीं करनी अपने को, पीछे यूनिट देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे देखें तो 6 मिली एम्पियर आंसर ये गलत होगा क्योंकि मिली में है एम्पियर में होता तो सही होता। आगे देखें तो 0.6 एम्पियर, एम्पियर में तो दिया हुआ है बट 0.6 आ रहा है तो 0.6 नहीं मेरे 6 आएगा वहां पे आंसर तो ये भी आंसर मेरे नहीं है। आगे चले तो 600 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो 600 एंड मिली का मतलब हो गया 10^-3 और पीछे एम्पियर लगा हुआ है, ये मिली की जगह आ गया और ये एम्पियर पीछे है तो यानी 600 × 10^-3 तो यानी 10^-3 का अर्थ होता है यहाँ पे अगर अपन इसको नीचे लेके जाएंगे पावर को तो 10^+3 मींस 600 में एक 1000 का भाग लग रहा है तो यानी 0.6 और ये एम्पियर जो पीछे चल रहा था यानी इसका
मीनिंग्स भी निकलता है 0.6 एम्पियर, तो ये भी नहीं होगा मेरे आंसर। फिर आगे चले लास्ट ऑप्शन में अपन, तो लास्ट में आ रहा है मेरे पास में 6000 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे मिली का मतलब वही 1000 का भाग देना है, यानी 6000 में आप 1000 का भाग दोगे तो मेरे 6 आ जाएगा, ओके। और ये एम्पियर पीछे यूनिट चल रही है, मींस सही आंसर कौन सा होगा 6000। अब बहुत सारों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि 6000, तो यानी कि आपको ऑप्शन पूरे पूरे देखने हैं, यानी सभी ऑप्शन देखने हैं और वहां पे कौन सा सही आंसर होगा वो डिपेंड करता है आपके डिजिट्स पे, नहीं पीछे जो यूनिट लगी हुई है डिजिट्स के उन पे। तो यानी कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करो तो उसकी यूनिट लेके जाओ। अब यूनिट का ये दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं आपके पास में 6। अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन में मेरे पास में यहाँ पे 10 सेकंड की जगह अगर मेरे पास में 10 मिनट आ जाता, 10 मिनट आ गया मेरे पास, ओके, तो वहां पे आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, किसी चालक में 10 मिनट में 60 गुलाम आवेश से प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी। अब बहुत सारे क्या करते हैं, ये पीछे यूनिट नहीं देखते हैं और वो 10 ही यूज कर लेते हैं। टी आई इक्वल टू क्यू बाई टी है मेरे पास में, ओके, क्यू दिया हुआ है, वो गुलाम में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 गुलाम। एंड टाइम, टाइम जो लेना होता है अपने को वो हमेशा सेकंड में लेना होता है, क्योंकि आपका जो एम्पियर होता है वो एम्पियर होता है गुलाम प्रति सेकंड के इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट जो एम्पियर बनता है यानी एम्पियर इक्विवेलेंट होता है वो होता है गुलाम प्रति सेकंड के, ओके। अब मेरा क्वेश्चन में आया है किसी चालक में 10 मिनट में 60 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी। अब ऑप्शन में चलो, ऑप्शन में 6 एम्पेयर आ गया आपका, बी 0.6 एम्पेयर आ गया, सी 0.06 एम्पेयर आ गया एंड डी 0.01 एंड ई 0.0, ये ऑप्शन में आ गया। तो यहाँ पे अब जिसने डायरेक्ट 6 यहाँ पे 10 यूज ले लिया, यानी टाइम जो है मिनट में ही यूज ले लिया, तो यानी कि अगर यहाँ 10 यूज करोगे तो आंसर तो 6 आएगा, बट यहाँ पे मिनट में है एंड गुलाम प्रति मिनट मेरे एम्पेयर के इक्विवेलेंट नहीं होता है, फिर एम्पेयर यूनिट यहाँ पे ऑप्शन में आई हुई है एम्पेयर, ओके। तो यहाँ पे जिसने भी 10 मिनट्स यूज कर लिया उसके आएगा 6, ओके, और 6 एम्पियर, फिर ऑप्शन में मेरे एम्पियर में, तो यानी कि इसको करके आए तो ये होगा गलत, क्योंकि अपने पास में जो टाइम लेना होता है वो लेना होता है सेकंड में, तो सेकंड यहाँ पे अपन लें तो 10 मिनट्स को सेकंड में बनाए तो मिनट मींस 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे अपन देखें तो 60 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 1/10 बचा और 1/10 मींस होता है 0.1, और गुलाम प्रति सेकंड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, गुलाम प्रति सेकंड जो है वो मेरे एम्पियर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरा आंसर, वो आएगा 0.1 एम्पियर, ओके। अब अगर जिसने भी 10 मिनट डायरेक्ट यूज कर लिया तो उसके आ रहा है 6 एम्पियर, और अगर उस जिसने भी कन्वर्जन किया है यूनिट का उसके आएगा 0.1 एम्पियर, और आंसर सही कौन सा होगा 0.1, तो यहाँ पे ये आंसर मेरे सही होगा। तो यानी कि वहां पे यूनिट कन्वर्जन का भी विशेष ध्यान देना होता है अपने को कंपटीशन में, तो यानी दूसरी दिक्कत अपने पास में यूनिट में ही यूनिट कन्वर्जन की आती है, एक तो यूनिट जो है सही यूनिट चूज करना और दूसरा होता है यूनिट का कन्वर्जन करना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि जो उसकी बेसिक यूनिट होती है उसी पे दे, वो उसको कन्वर्ट करके दे सकता है, यानी 6 एम्पियर आंसर आ रहा है तो उसको मिली एम्पियर में कर दिया, उसको किलो एम्पियर में कर दिया, तो यानी उसको यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तो वो अपन देखेंगे
ठीक है, एक यूनिट कन्वर्जन की क्लास लेंगे और उसमें अपन वो भी देखेंगे। तो अपने पास में तीन प्रॉब्लम्स हो गई, फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरे यूनिट एंड तीसरी यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे दूर करना है इसको, वो भी अपन ने देखा है। ठीक है, फिर आगे चले अपन। तो फोर्थ दिक्कत होती है ऑप्शन सिलेक्शन। फोर्थ प्रॉब्लम अपन फेस करते हैं ऑप्शन सिलेक्शन की। तो वो अपन ने पहले भी देखा था करंट्स के लिए कि ऑप्शन सिलेक्शन यानी कि जहां पे उपरोक्त सभी या ए एंड बी या ए एंड सी आता है तो वहां पे आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो, जब तक आपको सारे ऑप्शन का पता नहीं पड़ता, ठीक है, या सभी ऑप्शन को अपन उनका मीनिंग्स नहीं निकाल लेते तब तक अपन को वहां पे उसको उपरोक्त सभी ए एंड बी में नहीं करना है, या आपको कोई भी एक स्पेस आपका जो ए एक ऑप्शन जो आपके सामने फेस हो रहा है सही वो नहीं देना है, क्योंकि जब तक अपन उसका सही मीनिंग्स नहीं निकाल लेते आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो आपने ऑप्शन चूज किया है वही करेक्ट आंसर होगा। तो वहां पे अपने को सभी ऑप्शन जो है उनका मीनिंग्स निकालना है। मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूँ, देखो यानी कि अपन ने ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ओके सामान्य ट्रांसफॉर्मर, सामान्य ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। अब सामान्यतः अपने पास में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ओके। जब तक वो नहीं देता है आपको आगे ऑटो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं अपने पास में, एक तो होते हैं कौन से ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर, सामान्य ट्रांसफॉर्मर, और दूसरे होते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो अपने पास में जब तक वो ऑटो नहीं देता है ट्रांसफॉर्मर के आगे, तब तक अपने को ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर ही मान के चलना है, यानी सामान्य ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो सामान्य तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, पर यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर। कैसे, आपके पास में ऑप्शन आ गया, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं अपन, बी स्व प्रेरण, सी लेंज नियम एंड डी भी आपके आ गया फैराडे नियम, ओके। तो मेरे पास में यहां पे देखो यानी कि ऑप्शन सिलेक्शन का अपन देखें तो ऑप्शन सिलेक्शन कैसे आपको सही ऑप्शन सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन सिलेक्शन में अपन देखें तो यहाँ पे देखो सामान्य ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है, सामान्य ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण, स्व प्रेरण, लेंज नियम, फैराडे नियम, ट्रांसफॉर्मर में सारे नियम लगते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जब अपन सप्लाई देते हैं, ओके, करंट फ्लो होता है तो वहां पे लेंज नियम उस करंट का विरोध करता है, वहां पे ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसका अपोज करता है, फैराडे एक नियम के अकॉर्डिंग वहां ईएमएफ उत्पन्न होता है वाइंडिंग में, ओके। सेल्फ इंडक्शन यानी उसी वाइंडिंग में जो है सेल्फ इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है, एंड नेक्स्ट जो सेकेंडरी की तरफ वाइंडिंग होती है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के। तो यहाँ पे बात करूं तो देखो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मर ही बना के आपको बताता हूं, यहाँ EMF E1, यहाँ EMF E2, ओके, ये अपन ट्रांसफॉर्मर को जैसे ही अपन सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी जिधर लोड लगा होता है, इधर लोड होता है, ये लोड है। तो यहाँ पे अपन देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई प्रदान करने पर यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो ईएमएफ किसके अकॉर्डिंग,
फिर आड़े लुके। एंड ये ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, यानी किसके कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण या करंट में परिवर्तन के कारण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर को कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, ओके। और एसी सप्लाई मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपके टाइम के साथ में क्या होती है, वेरी होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे परिवर्तित धारा दोगे तो यानी कि परिवर्तित फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे ही अपने यहाँ पे परिवर्तित धारा, यानी परिवर्तित धारा को कहते हैं अपन DIT, ओके, ये धारा में परिवर्तन, परिवर्तित धारा देंगे तो परिवर्तित फ्लक्स उत्पन्न होगा। एंड परिवर्तित फ्लक्स होगा तो फैराडे का नियम कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा वहां ईएमएफ उत्पन्न होगा, ओके। तो यानी कि यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होगा आपका, तो यहाँ पे उसी वाइंडिंग में उत्पन्न हो रहा है, यानी सेल्फ उसी वाइंडिंग। तो यानी कि देखो मेरे पास में यहाँ पे कौन कौन से नियम लग जाते हैं, ईएमएफ उत्पन्न हुआ इसके अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पे जब ईएमएफ की जो फॉर्मूले में आता है तो वह इस तरह से आता है ND5/dt, या एन जो भी आप प्राइमरी के हैं तो N1 आ जाता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्या शो करता है, यहाँ नेगेटिव शो करता है लेंज के नियम को, यानी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो इसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे लेंज लो लग गया, फैराडे लो लग गया, ओके। एंड मेरे सेल्फ इंडक्शन, यानी उसी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। एंड जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई दे रहे हो एंड उसके पास रखी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन जिसे कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन अभी अपना यूज नहीं हुआ है, अभी सेल्फ इंडक्शन। तो ये ईएमएफ E1 जो उत्पन्न हुआ है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण। अब आगे चले तो ये फ्लक्स यहाँ और जो कि मैग्नेटिक पाथ है आपका उसके थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राप्त होता है, और फ्लक्स आपका वही परिवर्तित फ्लक्स है। तो परिवर्तित फ्लक्स जब इस वाइंडिंग को मिलेगा तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वो ईएमएफ उत्पन्न होगा E2। और ये E2 किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये E2 उत्पन्न हुआ है मेरे म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा। तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा, तो यहाँ ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा। तो नियम तो मेरे सारे लगते हैं, बट यहाँ पे मेरे को एक ही सिलेक्शन करना है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि आपका विद्युत जो सप्लाई होती है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, एक या प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करना, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना। तो ये दूसरे सर्किट में जब ही ट्रांसफर होगी जब मेरे इधर ईएमएफ उत्पन्न होगा, अगर ये इधर ईएमएफ उत्पन्न नहीं हुआ है तो आपका सप्लाई उधर ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो यानी कि बेसिकली इसका प्रिंसिपल जो वर्क करेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही करेगा, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस नियम यानी आपके रूल्स तो सारे ही यूज हो रहे हैं यहाँ, बट आपके यहाँ सभी लो यूज हो रहे हैं मेरे, बट यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बिना ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन आपका पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत सप्लाई को ट्रांसफर करना, नाम ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफर करता है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को या सप्लाई। तो वो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन होगा आपका जो कुछ प्रायोरिटी रखता है, कुछ प्रायिकता जिसे कहते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस यानी जिसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा है, जिसके बिना आपका ये पॉसिबल नहीं है, तो वो उसका आंसर होता है। तो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्य प्रेरण जिसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन होगा। अगर आपके यही क्वेश्चन में एक और भी ऑप्शन आ जाता और उसमें आ जाता उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो यानी कि ई ऑप्शन और दे देता वो उपरोक्त सभी, तो यानी ट्रांसफॉर्मर में सारे लो लगते हैं, सभी प्रिंसिपल यूज होते हैं, तो फिर ऑप्शन आएगा आपका ई ऑप्शन, फिर ई ऑप्शन। तो ऑप्शन का सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, ऑप्शन पे।
ओके अगर मेरे पास में एक ही ऑप्शन सिलेक्शन करना है तो फिर वो ऑप्शन होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, जिसके बिना आपका वो कार्य संभव नहीं है। और दूसरा अपन देखें, दूसरा ऑप्शन में देखें तो उपरोक्त सभी आ रहा है, तो यानी कि सभी नियंस लगते हैं, तो यानी कि फिर वहां पे ऑप्शन होगा उपरोक्त। तीसरा अपन देखें, यानी कि मेरे क्वेश्चन यही है और जिसमें उपरोक्त सभी भी आ रहा है, बट क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने क्वेश्चन में, यानी कि वहां पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया, यहाँ पे दे दिया उसने सामान्य की जगह दे दिया ऑटो ट्रांसफर, इसे कहते हैं अपन स्वप्रेरणा मित्र। ओके तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, वहां पे दो वाइंडिंग नहीं होती है, एक ही वाइंडिंग को अपन प्राइमरी एंड सेकेंडरी के रूप में यूज करते हैं, तो यानी उसी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो वहां पे कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तो फिर वहां पे अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता है। और अगर ये अनुपस्थित है तो फिर मेरे उपरोक्त सभी का आंसर नहीं बैठता है, क्योंकि मेरे पास में एक ऑप्शन अगर मेरे गलत हैं तो फिर मेरे उपरोक्त सभी नहीं होगा, फिर वहां पे आंसर क्या होगा, वहां पे केवल आंसर आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो फिर वहां पे आंसर ऑप्शन होगा बी। यानी कि देखो यहाँ पे ऑप्शन का सही सिलेक्शन कैसे करना है, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है सामान्य ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे यानी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मेरे पास में अगर ऑप्शन में मेरे पास में यही आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ, और ये नहीं आता है उपरोक्त सभी, तो फिर मेरे को एक ही ऑप्शन सिलेक्शन करना है, तो एक ऑप्शन कौन सा होता है, वो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, यानी कि जिस पे आपका ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग मेनली डिपेंड करता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है, तो फिर वो अन्योन्य प्रेरण होगा, तो यानी ऑप्शन होगा ए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए सामान्य ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है, एंड ऑप्शन में सारे है एंड उपरोक्त सभी आता है, तो यानी किस सिद्धांत, यानी सारे सिद्धांत लगते हैं और उपरोक्त सभी आएगा, तो फिर वहां पे उपरोक्त सभी ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा। ओके फिर आगे चलते हैं अपन, यानी कि अब सामान्य हटा लिया वहां से और सामान्य की जगह डाल दिया उसने ऑटो ट्रांसफॉर्म, तो ऑटो यानी कि वहां पे क्वेश्चन में ऑटो लगा हुआ है, तो ऑटो के लिए ही अपने को बात करनी है, सामान्य ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं, टू वाइंडिंग के लिए नहीं, यानी ऑटो में वन वाइंडिंग होती है और वन वाइंडिंग को ये प्राइमरी सेकेंडरी के रूप में यूज कर लिया जाता है, तो वहां पे अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके ऑप्शन वही है, यानी अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, लेंज नियम, फैराडे नियम एंड उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे मेरे उपरोक्त सभी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो यूज हो ही नहीं रहा इसमें, तो फिर मेरे सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि बी आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के टाइप्स एंड ऑप्शन पे कैसे आपको यूज करना। फिर आगे चलते हैं अपन, अगला पॉइंट जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं ज्यादातर वो है नॉट प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन एग्जामों में एक या दो महीने देते हैं अपने पास में, एक दो महीने में आपको इतना सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल, तो यानी उसको कैसे आपको सिस्टमेटिक मैनेजमेंट तरीके से आप अगर नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो यानी कि जब भी आपका कोई भी कंपटीशन आएगा तो उससे आप फास्टली, यानी कि आप के अगर बेसिक क्लियर हैं तो आपको कुछ नई फॉर्मूले या उनके बेसिक बेसिक चीजें देखनी होती, तो यानी नोट्स प्रिपेयर कैसे करने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ नोट्स प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ये यूज किया है, अब आप वो आप पे डिपेंड करता है। तो यानी नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है, आपके पास में जो भी रजिस्टर होता है उसमें आपके दो फर्स्ट होते हैं, ठीक है, ये और ये इसके सामने, तो यहाँ पे अपने को इस पृष्ठ पे थ्योरी यूज करनी, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी है वो आप इस पृष्ठ पे रखो, एंड यहाँ इस जो ये इसके सामने इस टॉपिक्स के सामने जो पृष्ठ है इसको आप ब्लैंक छोड़, क्यों, क्योंकि वो काम आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके फॉर्मूले या आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बार बार प्रॉब्लम्स करते हैं
उनके लिए। आप जो भी इसका निचोड़ है, जो भी इसका रिजल्ट है, वो आप इस पेज पे लाओ, ताकि अपन जब भी कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो अपन बस इस पेज को कवर करें, इस पेज को देख के जाए। अगर आपके बेसिक थ्योरी क्लियर है तो फिर इस पेज को, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूले इतने हो जाते हैं कि अपने को वो इतना थ्योरेटिकल कवर करना काफी कठिन हो जाता है। तो यानी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो भी अपने को इस तरह से, यानी कि इस पेज पे आप थ्योरी रखो और इस पेज पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव या जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन फॉर्मूले है वो यूज करना है, ठीक है। तो ये थी नोट्स एंड प्रिपरेशन की बात। फिर आगे आता है आपका सिलेबस एंड रूल्स। तो आजकल जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस वो देते हैं, यानी वो उस नोटिफिकेशन के साथ ही देते हैं। उस नोटिफिकेशन में अगर सिलेबस दिया है तो पहली प्रायोरिटी अपने को रखनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, अदरवाइज क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है और आप एक तरफ से तैयारी करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, तो फिर आपको जो टॉपिक्स नहीं है उनको कवर नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपके पास में टाइम है तो आप कर सकते हो। एंड रूल्स जो होते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो रूल्स मुख्यतया काफ़ी, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें रूल्स बने होते हैं, यानी कि कुछ एग्जाम्स में पार्ट आते हैं कि इंग्लिश भी आती है आपके, उसमें मैथ्स भी आती है, रीजनिंग्स भी आती है, टेक्निकल्स भी आता है, तो उसमें यानी कि साफ साफ लिखा होता है कि आपको हर पार्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे आपको जो भी, जैसे आपके 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक्स के आते हैं उनमें से उन्होंने दे रखा है कि आपको 30% 40% लाना है, तो उतने क्वेश्चन सही करने हैं। तो यानी उस जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो या जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रूल्स भी ध्यान रखो, क्योंकि सब एग्जाम्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यानी कि आपको कैसे इन टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक था टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स को दूर करना एंड क्या क्या टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें शेयर करना। तो ये प्रॉब्लम थी, आगे आप नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे।